बॉलीवुड स्टार्स के लिव इन रिलेशनशिप की खबरें तो आप अक्सर सुनते हैं, लेकिन टीवी स्टार्स भी इस मामले में किसी से कम नहीं है। हालांकि कई टीवी स्टार्स लिव इन में रहने के बाद शादी के बंधन में बंध गए, तो वहीं कुछ का ब्रेकअप हो गया। टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अक्षय राव यानी कि हिना खान भी इन दिनों रॉकी जायसवाल को डेट कर रही है, और इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे टीवी के ऐसे ही सेलेब्स के बारे में जो लिव इन रिलेशनशिप में रह चुके हैं या फिर रह रहे हैं। इसमें गुरमीत, डेबिना, कृष्ण अभिषेक, कश्मीरा शाह, ऋत्विक और आशा नेगी और सुयश कुशवर जैसे कपल्स के नाम शामिल हैं। नंबर वन हिना खान और रॉकी जायसवाल। टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस हिना खान अपने बॉयफ्रेंड से साल 2009 में ये रिश्ता क्या कहलाता है कि शूटिंग के दौरान मिली थी। ये कपल पिछले 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में है। अब वो दोनों शादी की तैयारी कर रही है। दोनों को हाल ही में मालदीव में वेकेशन मनाते हुए भी देखा गया था। नंबर दो गुरमीत चौधरी और डेबिना बैनर्जी। बता दें कि गुरमीत को एक टैलेंट हंट रियलिटी शो के दौरान डेबिना से प्यार हो गया। राम सीता में उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री टीवी पर सुपरहिट रही थी। ये कपल 5 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहा और फिर दोनों ने साल 2011 में शादी कर ली। गुरमीत और डेबिना ने बिहार के जरामपुर से पूजा और लता राम की 2 लड़कियों को गोद भी लिया हुआ है। नंबर तीन रूबीना दिलायक और अभिनव शुक्ला। रूबीना और अभिनव एक कॉमन फ्रेंड की शादी में मिले थे। पहले दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ। बता दें कि रूबीना और अभिनव साल 2018 में शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। दोनों को हाल ही में बिग बॉस सीजन 13 में भी देखा गया था। नंबर चार ऋत्विक धनजानी और आशा नेगी। ऋत्विक और आशा पहली बार पवित्र रिश्ता के सेट पर मिले थे और दोनों को वहीं एक दूसरे से प्यार हो गया। इस कपल ने 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया। इस दौरान दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी थे। इन दोनों ने अपने लिव इन रिलेशनशिप को कबूल कर लिया था, लेकिन अब दोनों का रिश्ता टूट गया है। नंबर पांच करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा बसु। बिपाशा और करण की मुलाकात फिल्म अलोन के सेट पर हुई थी। उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने साल 2016 में शादी भी कर ली। बता दें कि दोनों ही इंडस्ट्री के जाने माने स्टार हैं। साथ ही अपनी शादी से पहले दोनों काफी वक्त तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं। वह दोनों को कई बार वेकेशन टाइम एंजॉय करते हुए भी देखा जा चुका है। नंबर छह कृष्ण अभिषेक और कश्मीरा शाह। कृष्णा और कश्मीरा 9 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थे। अपने पहले पति से कश्मीरा के तलाक के बाद उन्होंने कृष्णा के साथ डेटिंग शुरू कर दी थी। शादी टूटने के बाद कश्मीरा को दोबारा शादी करने की कोई जल्दी नहीं थी और वो कृष्णा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग गई। करीब 9 साल तक लिव इन में रहने के बाद दोनों ने शादी कर ली। सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे। सुशांत और अंकिता पवित्र रिश्ता के सेट पर मिले थे और दोनों में प्यार हो गया था। एक रियलिटी शो में सुशांत ने अंकिता को प्रपोज भी किया था। उनका लिव इन रिलेशनशिप 6 साल तक चला। हालांकि सुशांत ने अंकिता को छोड़ दिया और साल 2016 में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। वाला अंकिता लोखंडे विकी जैन के साथ रिलेशनशिप में है। नंबर 8 संदीप बसवाना और अश्लेषा सावंत। संदीप और अश्लेषा ने साल 2002 में क्योंकि सास भी कभी बहू थी की शूटिंग के दौरान एक दूसरे से प्यार किया था और पिछले 16 साल से दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी हैं। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा था कि वो शादी नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा लिव इन रिलेशनशिप में उनके साथ वो रहना चाहती हैं। नंबर 9 सुयश राय और किशोर मर्चेंट। ये दोनों टीवी इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार हैं। दोनों पहली बार साल 2011 में सीरियल प्यार की एक कहानी के सेट पर मिले थे। दोनों ने काफी वक्त तक एक दूसरे को डेट किया, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। वेल अब किशोर मर्चेंट जल्द ही माँ बनने वाली है। नंबर 10 सनाया ईरानी और मोहित सहगल। इन दोनों टीवी सितारों को सीरियल मिले जब हम तुम की शूटिंग के दौरान एक दूसरे से प्यार हो गया था। दोनों 6 सालों तक लिव इन रिलेशनशिप में थे। इसके बाद उन्होंने साल 2016 में शादी कर ली। दोनों की रोमांटिक तस्वीरें हमेशा सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। तो दोस्तों इन सभी टीवी स्टार्स के लिव इन रिलेशनशिप को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।